पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय योग शिविर के 5वें दिन आज हम सभी आरोग्य यज्ञ का यानी वायुमंडल को शुद्ध रखने का, वातावरण को शुद्ध रखने का आयोजन और वातावरण शुद्धि के साथ हम सब जीवन निरोग रहे, पूरे गांव के सभी जीव जंतु निरोग रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध बने, इसी कामना को धारण करते हुए हम सभी अग्निहोत्र विधि से आचमन मंत्र से 3 बार मैं मंत्र का पाठ करूंगा और जैसे ही स्वाहा कहें तो आप लोग सबको मिलकर के स्वाहा कहेंगे और जल को भूख में डाल करके और पी जाना है। ओम अमृतो पत्रणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यमेव श्रीमहि श्री त्रयतां स्वाहा। और आपको ऐसे रगड़ के पीछे कर अभी से क्या है ना, मन से ही शुद्ध कर देना। हमने यह शुद्ध किया और हमने ही सबको विचारों का इसलिए सब शुद्ध हो गया। अब क्या करना है, इसमें भी थोड़ा जल ले लेते हैं, नहीं तो भावना पूर्वक ही कर लेते हैं। अब बाएं हथेली को सीधा रखेंगे, ऐसे ध्यान उधर करते हैं। अब दाहिने हथेली का अंगूठा, कनिष्ठा और ये सज्जनी तीनों मिला करके और बाकी 2 अंगुली मध्यमा और अनामिका से यहाँ स्पर्श करेंगे। इससे इससे करेंगे। अब जैसे ही मैं कोई अंग का नाम लूंगा तो उस अंग को छूना है दाहिनी तरफ और बाई तरफ, और जैसे ही आप छुएंगे तो आपके भीतर एक तरंग उत्पन्न होगा, एक भाव पैदा होगा, हे परमात्मा मेरा मुख स्वस्थ रहे, मुख से कभी कोई गाली ना निकले, शब्द ना निकले, ऐसे ही सब अंगों के साथ हम सब भाव को प्रदर्शित करेंगे। तो आइए अंग स्पर्श मंत्र से ओम मान में आए अस्तु, मुख के दो हाथ में दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा मेरे मुख में कोई बीमारी ना हो, मेरे मुख में मसूड़े हैं, जीव है, दांत है, तालू है, कंठ है, ये सब स्वस्थ रहे और मुख से जब कुछ शब्द निकले तो ये शब्द जो है ब्रह्म गति है यानी ब्रह्मा की कन्या है, इसलिए कभी कोई अपशब्द ना बोले, कोई गाली ना दे, क्रोध ना करे, सनाम हो, ऐसा विचार हमारे मन में उत्पन्न हो। और दूसरे मंत्र से ओम नसुर में प्राण वस्तु, नासिका की दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा ये जो नासिका है जिससे हम श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को बार बार करते हैं और मेरा जीवन मुख्यतः इसी के द्वारा निर्भर है, जब तक सांस चलेगा तब तक, तो हे परमात्मा इड़ा और पिंगला, बायां स्वर दाहिना स्वर यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर हमेशा जीवंत रूप में रहे और मैं जब तक जीवित रहूं निर्वाध रूप से श्वास प्रश्वास की क्रियाएं चलती रहे, नासिका से जो गंध सूंघने की जो शक्ति है वो हमेशा बना रहे, इसमें साइनस की बीमारी ना हो और कभी भी नाक के द्वारा कोई ऐसा भाव प्रदर्शित ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट हो सके। ओम अक्षुर्ण में चक्षुरस्तु, आपके दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा आंखों पर कभी चश्मा ना चढ़े, आंखों में कभी मोतियाबिंद ना हो, आंखों की रोशनी में कभी कमी ना हो और आंखों के द्वारा यदि मैं किसी चीज को देखता हूँ तो यदि कोई गंदा भी चीज हो, नहीं देखने वाला भी चीज हो तो वो देखने योग में कन्वर्ट कर दे, परिवर्तित कर दे, ऐसा है ना सॉफ्टवेयर हिंदी में लिखते हैं और एक उस पर इंटर मारे के बटन तो अंग्रेजी में हो जाता है, यानी परमात्मा ने सब सॉफ्टवेयर हमारे अंदर दे रखा है, अब जिस विचार से जिस भाव से जिसको देखेंगे वही भाव आपके अंदर उपजेगा। तो यदि कोई नंगा भी है, माँ बहन को देख लिया तो लगे कि मेरी माँ खड़ी है, मेरी बहन खड़ी है, तो भाव पवित्र हो गया, अब नंगा दिखाई नहीं देगा आपको, यानी हमेशा शुद्ध भाव से उनको रख करके आगे बढ़ना है। ओम कर्णयोर में श्रोतम अस्तु, कान के दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा कान के द्वारा जो हम सुनते हैं वो हमेशा सुनी सुन हो,
कान से जो सुनने की ताकत है वो हमेशा बना रहे, कान के पर्दे में कभी छेद ना हो, कभी मैं बहरा ना हो, और कोई गाली भी दे रहा है तो लगे कि राम राम कर रहा है, कोई मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा भी कहीं चर्चा कर रहा है तो मुझे लगे कि मेरे मेरे तो बड़ाई कर रहा है, ऐसा भाव मेरे अंदर हो जाए। नहीं तो कुछ लोगों के ना दिमाग में ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति या माँ बहन किसी का बड़ाई कर रहा है और उसके दिमाग में लगता है कि वो तो मेरे बारे में शिकायत कर रहा है, और तनाव हो गया, बिना सोचे समझे लड़ाई हो गया, और बाद में सब कुछ हो जाता है तो बाद में पता चलता है, अरे भाई वो लोग तो आपके बारे में बढ़िया चर्चा कर रहे थे, तब तक तो देर हो जाता है। तो ऐसा भाव हमारे अंदर रखना है, और बिल्कुल नहीं रखना, ऐसा नहीं कि बस यहाँ बैठे रखे और गए तो फिर पुराने वाले लोग। मनुष्य का मतलब होता है कि जो कुछ एक बार हमें ज्ञान मिले वो अनंत प्रवाह से जुड़ जाए। जैसे भोजन करते हैं, अब जो भोजन करें और सीधे सीधे बाहर निकल जाए तो उसका लाभ मिलेगा हमें कभी? जो खाया और बिना पचे निकल गया तो दुर्गंध देगा। जो हम ज्ञान प्राप्त किए आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा, कानों के द्वारा, और हमारे अंदर जो नहीं ठहरा यदि ऐसे निकल गया तो और बेकार करता है कि नहीं करता है? कुछ लोग देखिएगा कि जान बुझ करके गलती करता है, जानता है कि गलती करता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए ओम वायुर में बलम अस्तु, करना के गायत्र वायुर हे परमात्मा, मेरे बाजू में कभी दर्द ना हो, दोनों हाथ यदि उठे तो किसी की हत्या करने के लिए नहीं, किसी को संहार करने के लिए नहीं, ये हाथ उठे तो सेवा और दूसरों के पवित्रता के साथ निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ ले जाने के लिए उठे, और ये हाथ कभी उठे तो रचनात्मक कार्य के लिए भी उठे। परमात्मा मेरे घुटने में कभी दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, और जिस व्यक्ति का घुटना से या कमर में दर्द हो जाए, चलने में अक्षम हो जाए, तो उस व्यक्ति का जीवन जिंदा नाश हो जाता है। अब ना इधर जा सकते हैं, न उधर जा सकते हैं, न पहुंच कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, अब सब कुछ दूसरों के ऊपर निर्भर हो गया। अब ऐसा कभी किसी का जीवन में हो जाए तो ना पति ज्यादा दिन तक सेवा कर सकता है पत्नी का, ना पत्नी ज्यादा दिन तक सेवा कर सकती है पति का, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का कर सकता है, करेगा? 10 दिन यदि खटिया पर लेटरिन करिए तो जो पत्नी पति के लिए प्यारी या पति पत्नी के लिए या बेटा बेटी के लिए प्यारा है वो खुद बोलेगा कि हे परमात्मा इनका ले जाए जल्दी, बताइए ऐसा? केवल उसके दुखों को देख करके उसकी शक्ति सब खत्म हो गई, अब बोले परमात्मा तू ले जाता बाहर कोई उठा होगा। इसलिए हम इसके लिए जान देते हैं वो केवल 10 दिन के दुखों में, 10 दिन के समस्याओं से ही वो चाहता है कि जीवन भर के लिए हमारा शांत हो जाए। इसलिए आपसे इससे निवेदन है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम करना है तो आप अपने आप से करिए, अपने प्राणों से करिए, अपने कर्मों से करिए कि हे प्रभु मैं जो कर्म करूं उसका फल तो हमें ही भोगना है, मेरे कर्म का फल भोगने वाला ना पत्नी भोगेगी, ना बेटा, ना बाप भोगेगा। इसलिए आज से हम सब सात्विक विचारधारा के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओम अरिष्टानी मेघानी तन्व तन्व मेह संतो, अब शरीर के चारों तरफ अंगों पर छिड़क देते हैं, जिन अंगों का नाम लिए या ना लिए सबके लिए ये फलानी करने वाला, ऐसे हमें ये अंग स्पर्श मंडल से अंग को सुदृढ़ शास्त्रीय और निरोग बनाने का संकल्प लिया। ओम।